नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में सब एक दूसरे का कंपेयर करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगेंगे और खुद पर गर्व करेंगे, इसलिए इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। वह कौवा दुखी था और रोए जा रहा था क्योंकि वो अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझता था। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। कौवे का रोना सुनकर साधु जी ने ऊपर देखा। उन्होंने कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? फिर कौवे ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता और कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं अपने इस जीवन से सुखी और संतुष्ट नहीं हूँ। साधु ने फिर उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? बताओ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। फिर कौवे ने कहा, मैं हंस बनना चाहता हूँ। फिर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले हंस से पूछ कर आओ, क्या वह अपने जीवन में सुखी है? फिर कौवा हंस के पास चला गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन में सुखी और संतुष्ट हो? नहीं, मैं अपने जीवन से बिल्कुल सुखी और संतुष्ट नहीं हूँ। कौवा सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, क्यों? मुझे अपनी बेरंग सी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। सबसे सुखी और सुंदर पक्षी तोता है। फिर वह तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट हो? नहीं दोस्त, मैं अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट नहीं हूँ। फिर कौवे ने पूछा, फिर कौन सा पक्षी अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट है? तोते ने बोला, मोर सबसे सुखी है, इसलिए तो उसे राष्ट्र पक्षी कहा जाता है। उसके बाद कौवा मोर के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट हो? नहीं दोस्त, मुझे अपना जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर कौवे ने कहा, पर तुम तो बहुत सुंदर पक्षी हो। मोर ने कहा, मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन है। मेरे इन सुंदर पंखों के कारण ही लोग मेरा शिकार करते हैं, मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं। मेरे पंखों से अपने घरों को सजाने के लिए मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। तब कौवे ने पूछा, तो आपके हिसाब से सबसे सुखी पक्षी कौन सा है? मोर ने कहा, कौवा, वो सबसे सुखी है क्योंकि वह जहां मन चाहे वहां जा सकता है, उसे कोई कैद भी नहीं करता, वह एक आज़ाद पक्षी है। यह सुनकर कौवा वापस साधु जी के पास जाता है और कहता है, बाबा, मैं जो हूँ मुझे वही रहने दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपनी काबिलियत होती है, एक पहचान होती है। अगर यह वीडियो आपको मोटिवेट करता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।